एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी डे यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग क्या बिना एक्सरसाइज और बिना डाइट के अपना वेट लॉस कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है हाँ, हम लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर हम किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो कि अभी वेट लॉस जर्नी पे है या फिर अपना वेट लॉस कर चुका है, तो वो हमें ये बात बताएगा कि ना ही सिर्फ अच्छी डाइट, ना ही सिर्फ अच्छी एक्सरसाइज, उसने कुछ ट्रिक्स और हैक्स फॉलो किए थे जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हुआ। अगर वो उन्हें फॉलो नहीं करता तो शायद उनके लिए जो उनकी वेट लॉस जर्नी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, जो लोग डाइट को पसंद नहीं करते हैं, क्या वो भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो जो लोग बिगनर्स होते हैं, जो लोग इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं, जो लोग अपनी वेट लॉस स्टोरी, अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि बिगनर जो होते हैं, जब वो स्टार्टिंग में अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, तब उनका जो वेट होता है वो बहुत जल्दी डिक्रीज होता है, क्योंकि उनकी बॉडी अचानक से उन्हें रिजल्ट्स देने लग जाती है। तो अगर आप बिगनर हैं और आप अपनी वेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप डाइट और एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, स्पेशली टीनेजर्स को हमेशा एक चीज़ का डर रहता है कि जो डाइट हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी तो पैदा नहीं कर देगी, और एक्सरसाइज करने का तो टीन्स का मन कम ही करता है, तो ये चीज़ उनके लिए है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या हम लोग बिना डाइट के और एक्सरसाइज के अपना वेट लूज कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस, पर कैसे, तो इसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट ट्रिक से, तो हमारी पहली ट्रिक ये है कि आप जब भी सुबह उठें मॉर्निंग में, तो एक ग्लास वार्म वाटर ज़रूर लें। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उन्हें चाय पीना पसंद होता है, कॉफ़ी पीना पसंद होता है, लेकिन जो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ के आपको सुबह सुबह गुनगुना पानी लेना होगा। आप सुबह उठ के उस पानी को गर्म कीजिए और फिर उसे सिप सिप करके आराम से पिए। इससे क्या होगा, इससे ये आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, जिसकी वजह से हम पूरे दिन में बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, और अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे तो ऑफकोर्स हम अपना वेट लॉस भी करेंगे। तो सुबह सुबह गर्म पानी लेने का एक और फ़ायदा ये है कि हम लोग जो रात को 8-9 घंटे सोते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, और अगर हम सुबह उठते पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी हाइड्रेट भी हो जाती है, और गर्म पानी पीने से सुबह हमारी स्किन पे ग्लो भी आता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक कि आपको हमेशा सुबह मॉर्निंग में उठ के एक ग्लास गर्म पानी तो लेना ही लेना है। अगर आप एक ग्लास गर्म पानी लेते हैं तो ट्राई कीजिए आप 2 ग्लास गर्म पानी लें। मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठ के गर्म पानी के 2 ग्लास लेती हूँ, जिससे वो मेरी बॉडी को हाइड्रेट कर दे। चलिए बढ़ते हैं हमारी सेकंड ट्रिक की तरफ। तो हमारी सेकंड ट्रिक ये है कि हमेशा अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और लंच में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप करके जो मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम होता है उस टाइम पर कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ अनहेल्दी की तरफ चले जाते हैं। जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं की थी, जब मैं सिंपल अपनी लाइफ जी रही थी, जब मैंने ये चीज़ नोट की कि मैं सुबह लेट उठती थी मैं, उसके बाद फिर मैं सुबह खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया सुबह का, और एक बजे लंच का टाइम होता है और 8-9 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, उसके बीच में जो टाइम होता था हम उसके बीच में खाते थे, और इससे जो होता था हमारे पूरे टाइम गड़बड़े हो जाता था कि हमें किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, और इसका इफ़ेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने ब्रेकफास्ट में कोई भी स्वीट चीज़ ना लें, कोई भी मीठी चीज़ ना लें। लाइक कोई कुछ लोग सुबह सुबह डोनट्स लेना प्रेफर करेंगे, तो ऐसा कुछ ना लें। सिंपल घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाएं, जो ज़्यादा ऑयल भी ना हो, ज़्यादा सॉल्टी भी ना हो वो, लेकिन उसके अंदर अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर हो और अच्छी ही अमाउंट में प्रोटीन हो, जिससे वो आपको पूरे दिन फिल रख सके। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक कि आपको अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है। हम लोगों को अकॉर्डिंग टू साइंस कि हम लोगों को अपना ब्रेकफास्ट 10 बजने से पहले कर लेना चाहिए। तो अगर आप अपना ब्रेकफास्ट अपने टाइम के अनुसार करते हैं तो आपको वही टाइम अपना रेगुलर रखना होगा, क्योंकि इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी फर्क पड़ता है। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ। तो हमारी थर्ड ट्रिक ये है कि हमेशा जो भी मील आप करें, ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, हमेशा उसके बाद बैठे ना। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाया और खाना खाते ही बैठ जाते हैं या फिर लेट जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे डाइजेस्टिव
सिस्टम की हेल्थ के लिए भी ये ठीक नहीं है कि हम लोग खाना खाने के बाद आराम से बैठ जाते हैं। हमें खाना खाने के बाद हमें हमेशा वॉक करनी चाहिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि खाना खाने के बाद अपने हर मेन 3 मील्स के बाद आप 20 मिनट्स की वॉक करें। आप उस टाइम पे कोई भी FM चला सकते हैं वॉक करते हुए, या फिर कुछ भी रीडिंग कर सकते हैं, अपनी कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने 20 मिनट की वॉक ज़रूर कीजिए। उससे जो आपने जो खाना खाया है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और उसी के साथ आपने जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी एनर्जी भी आप यूज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप जल्दी से मोटे नहीं होंगे, इवन आपका वेट भी लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी 4th ट्रिक की तरफ। तो हमारी 4th ट्रिक बहुत ईजी है, बहुत काफ़ी ऐसा लगेगा आपको कि तो मैंने हर जगह सुना है, बहुत सारा पानी पीजिए। बहुत सारा पानी पीने से क्या होता है, बहुत सारा पानी पीने से आपके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं थ्रू वाटर, और वाटर आपकी न्यूट्रिशंस को अपनी आपकी बॉडी पे अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। कई बार आपने सुना हो कि एक इंसान वो ज़्यादा अच्छा खाना खाता है, एक हेल्दी खाना खाता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो कहीं ना कहीं उसमें वाटर का भी फैक्टर आता है कि अगर आप वाटर इनटेक अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस को अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। उसी के साथ इसका एक सबसे बड़ा 3rd कारण ये है कि हम लोगों को कभी वाटर की प्लेस पे हम लोग कभी जूस ले सकते हैं, किसी भी टाइप का हम लोग लेमनेड ले सकते हैं, विच ऑफ शुगर का जो लेमनेड होता है वो ले लेते हैं हम लोग कोई जूस लेना, फ्रूट जूस लेना, या फिर फ्रूटी ले लेना, ये सब लेना प्रेफर करते हैं। उनके अंदर हाई इन कैलरी होते हैं, उसी के साथ ये हाई इन शुगर होते हैं। हम लोग फ्रूट्स की बजाय हम लोग उनका जूस लेते हैं तो उसके अंदर फाइबर नहीं होता है, बहुत कम फाइबर होता है, इवन उसके अंदर शुगर होती है। तो इसलिए अगर हम लोग उनकी प्लेस पे अगर वाटर लेते हैं विथ ज़ीरो कैलरीज, जो ज़ीरो कैलरीज का जो वाटर होता है अगर हम उसे लेते हैं तो हमारी जो कैलरीज हैं वो भी बचती है, उसी के साथ हमें वो फ़ायदे भी मिलते हैं जो एक पानी के होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपने पूरे दिन में कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर 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 पिए। लोग कहते हैं कि हमेशा 8 गिलास पानी पीना चाहिए, वैसे इसका कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है ये कि कितना ग्लास पानी हमें पीना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो उस टाइम पे तो आप अपना पानी का इंटेक ज़्यादा कर ही लीजिए। उसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी 5th ट्रिक पे, जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, जैसा आप मैंने आप थंबनेल बताया कि आप एक्सरसाइज और डाइट के बिना कैसे लूज़ कर सकते हो, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सरसाइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं अगर हम उससे ज़्यादा बर्न करते हैं तो ही हमारा वेट लॉस होता है। अगर हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी बर्न कर रहे हैं तो वेट मेंटेन रहता है, अगर हम ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं और बर्न कम कर रहे हैं तो वेट गेन हो जाता है। ये बहुत सिंपल सी मैथमेटिक की इक्वेशन बन गई है। तो हमेशा एक 30 मिनट की वॉक, आप बिगनर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो जिम में जाके काम करें, कोई भी डांस क्लास ज्वाइन करें, ज़रूरी नहीं है, आप एक सिंपल वॉक के थ्रू भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। एक वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करती है। सो ओनली 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग कैन बर्न लोड्स ऑफ कैलोरीज। तो आपको पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ अगर आप आधे घंटे, सुबह का आधे घंटे का टाइम निकाल के वॉक करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो उसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है अर्ली डिनर। आप लोगों ने अक्षय कुमार को तो कहते सुना ही होगा, अक्षय कुमार क्या कहते हैं मेनली कि हमेशा 6 बजने से पहले अपना डिनर फिनिश कर लो। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, लेकिन मैं कुछ मेन फैक्टर्स आपको बताऊंगी। लाइक हमें कभी भी अपना मील लेने के बाद सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फिर उस खाने को अच्छे से पचा नहीं पाता, उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता इजीली। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा खाना खाने के 3 घंटे बाद हमें सोना चाहिए, और इसीलिए कहते हैं कि लंच के बाद हमें कभी सोना नहीं चाहिए। तो अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 10 बजने से 3 घंटे पहले आपको अपना खाना खा लेना चाहिए। अर्ली डिनर करने से क्या होता है, आपकी बॉडी उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाती है, आपकी बॉडी उस खाने के न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब कर पाती है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता उसके बाद।
और उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ आयुर्वेदा भी कुछ कहता है, लाइक आयुर्वेदा ये कहता है कि हमें सूरज ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सूरज के उस पे डिपेंड करता है। अगर जब सूरज अपने पीक पे होता है उस टाइम पे हम लोग अपना लंच करते हैं, इसलिए हम अपने लंच में काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ फूड लेते हैं, लाइक दाल सब्जी रोटी खूब सारा सैलेड लेते हैं हम लोग। तो ये हम इतना सारा अलग अलग तरीके का खाना लेते हैं क्योंकि सन उस टाइम पे पीक पे होता है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत हाई होता है, तो हम लोग उस टाइम पे जो भी खाना खाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। और रात के टाइम पे जब हम सूरज बिल्कुल ही ढल जाता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत स्लो वर्क करता है, इस वजह से वो उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है। तो अर्ली डिनर एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक फैक्टर है कि आप अपना वेट लॉस इससे कर सकते हैं। जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तब पहले जो महीना था मेरा, मैंने उस टाइम पे मुझे कहा गया था कि मुझसे पूछा गया था पहले कि आप कितने बजे तक डिनर कर लेते हैं, तो मेरा जवाब ये था कि मैं 10:30-11 तक अपना डिनर करके सो जाती हूँ। तो फिर मुझे ये कहा गया था कि आप ट्राई कीजिए कि आप अपना डिनर 9 o'clock तक कर लें, फिर मैंने 9 o'clock तक करना स्टार्ट किया। मैंने फ़र्क नहीं देखा, लेकिन जब धीरे 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 मेरा टाइम घटाया गया, लाइक 6 o'clock हुआ जब मेरा टाइम, उसके बाद मैंने इतना बड़ा चेंज देखा मेरे अंदर कि मेरी बॉडी के अंदर मुझे जो डाइजेस्टिव इश्यूज थे वो गायब हो गए, उसी के साथ साथ मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी गायब हो गई और मेरा वेट लॉस भी होने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली डिनर सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक वेट लॉस के लिए। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट हैक के पास। तो हमारा नेक्स्ट हैक ये कहता है हमें स्लीप, सोना। कुछ लोगों को सोना बहुत पसंद है कि हम बस सो जाएं, तो यही एक चीज़ है कि अगर आप लोग अच्छी नींद लेते हैं तो आपका वेट लॉस अच्छे से होता है। हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर कब करती है? जब हम सोते हैं, हमारे सोते टाइम पे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारी बॉडी में मसल्स टिश्यू जो भी चीज़ें होती है वो सब रात को रिपेयर होती है, मतलब जब हम सोते हैं जब ही रिपेयर होती हैं वो। तो अच्छी नींद लेना यानी कि 7 से 8 घंटे, टीनेजर्स को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। मैं हमेशा 7 घंटे से ज़्यादा और 8 घंटे से कम की नींद हमेशा लेती हूँ, हर दिन लेती हूँ, बस कभी कभार कुछ दिन हो जाता है। तो हमेशा अच्छी स्लीप लेना एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका कि आप अपना अच्छा स्लीप लेके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। उसी के साथ आपको जैसे कि टेंशन्स नहीं लेनी होती, टेंशन्स टीनेजर्स को होती भी किस चीज़ की है, एग्जाम्स की टेंशन होती है, तो वो अगर हम रेगुलर लेके चलते हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती है। तो आप कोई भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले मत लेना। उसी के साथ कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग के बारे में मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी जिससे आप अपनी ओवर ईटिंग को कम कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए आप कम खाना खाएं। थोड़ा सा डाइटिंग नहीं है किसी टाइप की, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका 2 रोटी खाते ही आपका पेट भर गया है लेकिन फिर भी आप 3री रोटी के साइड जा रहे हैं तो वो ओवर ईटिंग कहलाएगी, ठीक है। और उसी के साथ आपको रात को मैंने जैसे बताया कि 3 घंटे के बाद ही हमें सोना चाहिए खाना खाने के बाद, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपके मील में और आपके स्लीप के टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस हो। अगर आप इन को फॉलो करते हैं तो आई गारंटी कि आप अपना वेट लॉस ज़रूर करेंगे। ये कुछ बिगनर्स के लिए स्टेप्स हैं, लाइक जो लोग सोचते हैं कि हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आई थॉट कि पहले उन्हें इन ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, जब वो इन ट्रिक्स में अच्छी तरह ढल जाते हैं उनके बाद ही उन्हें डाइट और एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपना वेट लॉस करना चाहता है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर टीनेजर्स, ये सबके लिए है। मैं भी टीनेजर हूँ इसलिए मैं स्पेसिफिक वीडियोस टीनेजर्स के लिए बनाती हूँ, लेकिन ये वीडियोस कोई भी फॉलो कर सकता है, आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं और आप लोग अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।